बहुत समय पहले की बात है, परियों के लोक में एक राजकुमारी परी रहती थी जो बहुत ही शरारत किया करती थी। वह सभी लोगों के साथ में शरारत किया करती। शरारत करना उसकी एक आदत बन चुकी थी। एक दिन परी के घर में परी को पढ़ाने के लिए परियों के लोक से एक गुरु आते हैं, लेकिन परी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। परी के गुरुजी पढ़ाई शुरू करते हैं, पर परी यह सोचने लगती है कि आखिर अपने गुरुजी को यहाँ से कैसे भगाया जाए। तभी परी को एक शरारत सूझती है और वह अपनी जादुई छड़ी से अपनी सारी किताबें और कॉपियां हवा में उड़ाने लगती है। तब परी के गुरुजी उसे समझाते हैं कि परी, अगर तुम ऐसे ही शरारत करती रहोगी तो तुम कुछ भी नहीं सीख सकती और आगे चलकर तुम्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तब परी सोचती है, अगर मैं शरारत करती रहूं तो सच में मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी। परी का मन इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन परी पार्क में चली जाती है और वहां बैठकर परी सोचने लगती है कि क्या सब लोग सच कहते हैं? क्या मैं शरारत करती हूँ? अगर मैं शरारत करती रही तो मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन मेरा मन तो हमेशा मस्ती और शरारत में लगा रहता है, लेकिन कोई मुझे खेलने कूदने भी नहीं देता। सब लोग हमेशा रोकते टोकते रहते हैं। परी यह सब सोच ही रही थी कि वहाँ उसके सामने एक जादूगर आ जाता है और वह राजकुमारी परी को पकड़ लेता है और जादूगर अपने महल में कैद कर उसे रख लेता है। फिर जादूगर राजा के पास जाता है और परी की रिहाई के लिए राजा से पैसे और राज्य मांगता है और वह राजा को 2 दिन का वक्त भी देता है। जादूगर राजकुमारी परी की शरारत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। परी ने जादूगर की महल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और सभी सामान को इधर उधर फैला दिया और अपना रास्ता बनाकर वहां से चली गई। जब जादूगर वापस लौटता है तो उसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है और परी को वहां ढूंढता है तो परी वहां कहीं भी नहीं मिलती है। जादूगर थक कर हार जाता है और सोचता है, 2 दिन के बाद राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं क्या करूंगा। और दूसरी तरफ राजा और रानी परेशान थे कि क्या फैसला लें, कैसे अपनी राजकुमारी को वापस लाएं। वह सोच ही रहे थे कि अचानक से परी को उड़कर आते हुए वहां देखते हैं। वह दोनों परी को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग हैरान हैं कि वह जादूगर जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिससे बचना बहुत मुश्किल है, उससे छोटी सी राजकुमारी परी बचकर वापस कैसे चली आई। राजा परी से पूछते हैं कि तुम उस जादूगर के कब्जे से बचकर कैसे आई। तो राजकुमारी परी बताती है कि आप जिस शरारत से परेशान हुआ करते थे, इस शरारत से मैंने आज उसका महल उथल फुथल कर अपना रास्ता बनाकर वहां से बच निकली। तो राजा कहते हैं कि शरारत करना बुरी बात तो है, लेकिन कभी कभी इन छोटी छोटी शरारतों से हमें फायदा भी हो सकता है। राजा परी के साहस पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और परी को शाबाशी देते हैं। परी के वापस आने पर और परी की बहादुरी पर राजा बहुत प्रसन्न थे और एक जश्न की योजना बनाते हैं। परी की बहादुरी का पूरे परीलोक में चर्चा होने लगता है और सभी परी की प्रशंसा करने लगते हैं। अब परी की शरारती पर उसे कोई भी नहीं डांटता और ना ही परी के खेलने कूदने पर कोई मना करता था।
अब परी भी अपने बड़ों की बात मानने लगती है और परी को अब समझ में आ गया है कि अब उसे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना। अब परी समय से अपनी पढ़ाई करती है और अपने भविष्य के लिए सारे अच्छे कार्य करती है।